विकासखंड सरसावा के गांव पठेड़े पहुंचे हैं और जो यहां के ग्राम प्रधान रह चुके हैं प्रधानपति, उनसे बात करते हैं किस मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालेश सैनी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बर्था कायस्थ, लोक सरसावा सहारनपुर। जी, आप ये किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हमने विकास किया है गाँव में, बिना भेदभाव के विकास किया है और आगे भी अगर जनता हमें मौका देगी तो हम बिना भेदभाव के विकास करेंगे। आपने गांव में किस तरह के विकास किए हैं? हमने गांव के अंदर सीसी रोड, हैंडपंप, सोलर लाइट, एलईडी लाइट आदि वगैरह बहुत कुछ कार्य किए हैं और बिना भेदभाव किए हैं। इसके जो आप हटके अगर आपको मौका दें पब्लिक, तो आप कैसे काम, क्या क्या काम कराएंगे? अगर पब्लिक दोबारा मौका देगी तो सभी का जो विकास कार्य होगा वो बिना भेदभाव के करेंगे। ऐसा तो नहीं, आपने इस 5 साल में जो आपके पास दूसरी पार्टी का आया वो काम कराने के लिए आपने भेदभाव किया उसमें? नहीं, हमने किसी से कोई भेदभाव नहीं रखा और नहीं रखेंगे और नहीं रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पब्लिक अपने गाँव की है, अपने गाँव के लोग हैं, तो किसी से भेदभाव रखने का तो कोई उचित ही नहीं है। अभी आप चुनाव में उतर रहे हैं तो आपने पर्चा खुद भरा या घर वाले के नंबर? वो तो देखो, अभी जब पर्चा दाखिल किया जाएगा उसके बारे में सब बताया जाएगा। नहीं, बैनर तो आपने अपने नाम के लगा रखे हैं। हाँ, बैनर हमने अपने नाम का लगा रखा है, जो भी निर्णय लेंगे हम अभी रुक के लिया जाए। नहीं, मेरा मतलब क्या लगा है कि आप सबसे गाँव का क्या मेन मुद्दा है जिसे आप लेकर चर्चा के विषय बनाएंगे? हमारा मेन मुद्दा तो यही है, सभी को साथ लेकर चलना है और सभी का विकास करना है, हमारा और कोई मुद्दा नहीं है गांव के अंदर। मेरा मतलब कहना का ये है, आपके जो गांव का है मेन मुद्दा क्या है जिसके लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? विकास का मुद्दा रहेगा। विकास में काम बताइए आपको मेन काम। विकास में जैसे बारात घर है और भी मेडिकल लाइन है, मेडिकल में अस्पताल है, गरीब लोगों को बाहर न जाना पड़े, गाँव के अंदर ही उसको इलाज मिल जाए, सरकार की प्राथमिकता है भी है। तो आप गांव में लाएंगे इसको? बिल्कुल लाएंगे, अगर जनता ने दोबारा मौका दिया तो जरूर लाएंगे। हमारे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का कहना यह है, यदि मुझे हटके मौका दिया गांव वासियों ने तो मैं अपने गांव में सरकारी अस्पताल बनाऊंगा, प्रयास